हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज की वीडियो में साथ में देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है स्कूल फेयरवेल डे स्टोरी ऑन बॉलीवुड स्टाइल। ओके, अब इसमें मैं एक मोटा मोटा जो चीज़ होती है, सबसे पहले तो बड़े एक्साइटेड होते हैं फेयरवेल के लिए। फेयरवेल में आके लोग रो पड़ते हैं, तो ये पूरा जो है ना सिनेरियो होता है, हर दफा मेंशन कर देता है ये, सिर्फ मुझे इसमें रगड़ता है बीच में। चलो खैर, लीव इट। क्या मैं गलत कहता हूँ? ये बदतमीजी होती है वैसे। आईना देख, क्या मैं गलत कहता हूँ? तूने खुद से भी कुछ बात छुपा रखी है यार। कुछ इस तरह से शेर था, मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। शेर मैं तुझे कहता हूँ, अगर तूने बोलने है तो सही बोला कर, वरना ना बोला। नहीं, जब मैं यहाँ तक होता है सही होता है, जब यहाँ आता है खराब हो जाता है। खैर, तो मेरे ख्याल से सबके साथ यही होता है। तो फेयरवेल डे इज एन इमोशनल डे। एक एस्पेक्ट उससे पहले सारे एक्साइटेड होते हैं कि फेयरवेल होगी और जान छूटेगी। जान छूटेगी, ये नहीं पता इससे बड़ी बला आगे वेट कर रही है। लेकिन और लास्ट जो डे होता है थोड़ा इमोशनल हो जाता है लोगों के, यू नो, हो जाता है। इट्स ओके कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो लेट्स सी दिस वीडियो के इसमें कौन कर लिया। इसने इज्जत का जनाजा निकालना होता है हर जगह कहीं, चाहे वो व्लॉग्स हों, चाहे वो ये वाली वीडियो। तो मैं बेचारा शरीफ सा कुछ बोलता नहीं होंगे। खैर, कंटिन्यू रख। खैर, आई विल नॉट डिस्टर्ब। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इमोशनल वे में तो क्या, वरना ये रो पड़ेगा। तो नहीं, मैं नहीं रोता। आप कर दे, खैर सब्सक्राइब कर, वरना यू नो बुरी बात है दुख देना किसी। लेट्स सी दैट। ये भी बीबीएफ की, इनकी सेकंड वीडियो। हम बहुत देखने लगे हैं बीबीएफ। हाँ, ये भी फ्रिस्ट में होना चाहिए। हाँ, ये बड़ा पार्टी अब भी बाकी है। ये सब बड़े मुझे होते हैं यार, जानते देखा, सब रोते सब रोते सब रोते अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर अश्क न हो क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है कैसी है अनहोनी हर आंख हुई ना आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए ऐसे ही होता है कर ले कर ले, सारा कुछ मेरे पे डाल। शायद फिर से यार क्या याद कर मुलाकात हो ना अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगत मजारों से चुरा के लाऊं बरकत। अच्छा, सलमान भाई का रोना नहीं पूरी हो सकेगी उनसे मगर उनको रोता देख के हंसी आ जाती है। दुनिया पराई है बस एक अपना है। अच्छा, बैक टू वीडियो। मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा था, दिल में
भाई यार लीव करा देना यार, अब कितना क्या क्या याद करेगा। तू चाहे कहीं मेरे दिल में रहता है। अगर कोई है चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। दरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, आंखें भीरी है भीरी है भीरी, याद जीरी रे जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी। बस बस, और क्या होना था इसमें यार। इसमें एक और ऐड करते थे मैंने, टू इयर्स आफ्टर द स्कूल दे मीट विद योर फ्रेंड, तो वो उनका वो एक रीयूनियन की होनी चाहिए, रीयूनियन वाली एक वीडियो ऐड कर देते हैं। मतलब हैप्पी एंडिंग तो करो यार, कम से कम रुला के लोगों को बंद कराओगे। लेकिन ये वीडियो चली बड़े मजे से थी, वो बिना एक सेट पैटर्न दिखाया उन्होंने। वीक बिफोर स्टार्ट ऐसे होता है, लोग दुआएं कर रहे थे यार फेयरवेल आए और ये पढ़ाई से जान छूटे, और फेयरवेल से ठीक एक हफ्ता पहले पार्टी स्टार्ट हो जाती है, लेट नाइट वाले शुगर दोस्तों के साथ आउटिंग वगैरह, तो गाने बड़े उस हिसाब से एडजस्ट किए थे, मजे की वीडियो थी और काफी रिलेटेबल चीजें थी। वैसे आपने स्कूल या कॉलेज या कुछ भी, तो काफी हर किसी के साथ ये वाले एक्सपीरियंसेस हुए हो। एग्जैक्टली, मेरा जो स्कूल के लास्ट डे थे उसमें रोया कोई नहीं था, तो इस वजह से ये मेरे लिए थोड़ा लेस रिलेटेबल था। दूसरा ऑल बॉयज स्कूल था तो लेस रिलेटेबल था। क्रश वाले कॉलेज वो भी नहीं था, ऑल बॉयज था ना, वो क्या हो सकता है। कॉलेज में आके फिर मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा, फिर मैंने बहुत कुछ देखा लोगों के, बहुत सारे यू नो ये डिफरेंट फेजेज सीन था, तो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो मैं उधर चला गया था कि हाँ यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। So, दूसरों पे डाल रहा है, अपना नहीं बता रहा कि मैं भी रोया था बैठ के। मैं पागल है खैर, हमें किसी की क्या रोया हो, कैसी बात, पर्सनल लाइफ को नहीं छेड़ना चाहिए, रो लेते हैं लोग, किसी की पर्सनल बात लाइफ को नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स बीच में से मिस कर गया हूँ, जो मुझे काफी सारे याद आए हैं लेकिन मैंने मिस कर दिए, कि हम बैठे हुए कैमरे में और ये रिकॉर्ड हो जाएगी और ये पता नहीं कौन कौन देखेगा, तुम किसी के राज ना खुल जाए, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते। सो इट इज बेटर किसी के राज नहीं खोलने, तो हम यहाँ पे राज नहीं खोल रहे। ऑब्वियसली बहुत सारे राज होते हैं तो पर्दा रखना चाहिए। मेरे ख्याल वीडियो में ज्यादा पर्सनल हो जाता है थोड़ा वो ज्यादा, तो थोड़ा मैं यू नो कंपोज। ये तो हम ना कहा कर, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक हम ना कहा कर, मुझे यानी तू बीच में सामने कर लेता है अपने साथ, क्या घट गया इंसान। हम पर्सनल हो जाते हैं, तो अपने बारे में बात कर, मैं पर्सनल हो जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक हो गया मैं पर्सनल हो जाता हूँ थोड़ा सा। तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो ये द वीडियो वाज गुड, बैक टू दिस वीडियो, वीडियो वाज एंडिंग वाज नॉट गुड, हम सिर्फ बुरी बुरी बातें कराएंगे, किसी चीज की अच्छी बात नहीं किया करेंगे। नॉट गुड एंड में एक रियूनियन वाला एक पॉजिटिव ला के हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए थी, ये दुखी रुलाते रुलाते बंद कर दी वीडियोस। बट ऑब्वियसली रिलेटेबल हैं ये सारे इंसिडेंट, हम सबके साथ हो चुके होंगे स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में, जहाँ कहीं भी आपके अटैचमेंट्स ज्यादा रही अपने कुछ एक गैंग ग्रुप्स के साथ, तो आप ज्यादा अंडरस्टैंड। फेयरवेल डे को आप इमोशनल डे के तौर पर याद रख सकते हैं, उस दिन सारे लोग इमोशनल होते हैं। भाई इट डिपेंड्स कि स्कूल में आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी या कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, जहाँ पे भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो वहाँ भी इसको चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। बट ये चीज़ मेरे ख्याल से ना आपकी ये स्टूडेंट लाइफ मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तक ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, हायर स्टडीज में चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता, रिजाइन करते हुए रोता थोड़ी क्या यार। मतलब हायर स्टडीज में भी मास्टर्स में अगर मैं कंपेयर करूं तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, ये बच्चों के काम है, ये बच्चों के काम। एग्जैक्टली, जब मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी थोड़ा थॉट प्रोसेस बड़ा चेंज हो जाता है ना, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो जो लोग अभी तक स्कूल कॉलेजेस में जो ग्रेजुएट नहीं हुए अभी तक, एंजॉय योर टाइम, यही टाइम है भाई, आगे जिंदगी बड़ी, यही टाइम है रोने धोने का, आगे आपको रोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सीरियसली सीरियसली, नो इमोशनल अटैचमेंट्स, नो दोस्तियां यारियां बड़ी स्ट्रांग की उस किस्म की, तो यही टाइम है, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, पढ़ाई शढ़ाई को बिल्कुल जो है ना फोकस ना रखें, सिर्फ हर एक चीज को प्रॉपर टाइम दें। आपकी एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जितनी जरूरी पढ़ाई है, इतना ही जरूरी है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी पूरी साथ चलनी चाहिए पढ़ाई के साथ, सब कुछ, हर चीज को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दें, बट आपकी जो
आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, आपकी जो ग्रुपिंग है, आपके साथ कैसे लोग हैं, कैसा आप उनके साथ टाइम गुजरता है, क्या आप लोगों के साथ टाइम गुजारना आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो पढ़ाई के साथ साथ, तो ये टाइम है इन्जॉय करें और अपनी लाइफ को वेल मैनेज करके और टेंशनें छोड़ के, फ्यूचर की टेंशनें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ के फोकस करें अपनी लाइफ पे जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते। ग्रेजुएट होने के बाद माशाल्लाह टेंशन ही होगी, परेशान नहीं होना। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इसकी हैप्पी एंडिंग कैसे कर सकते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा।